हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने लैपटॉप में जो विंडोज़ 11 है उसमें प्रॉक्सी सेटिंग कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉक्सी सेटिंग अनेबल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब तरीके अलग अलग हैं, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट जो एक्चुअल ऑप्शंस हमें सामने दिखते हैं या कह सकते हैं विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली, वो ऑप्शंस हम दो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज़ 11 का पीसी है, मैं विंडोज़ 11 में ये सेटिंग बता रहा हूँ, विंडोज़ आइकन के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाना है, ये सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जाना है। इसमें जाने के बाद आप इधर अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, इसमें से आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है। नेटवर्क एंड इंटरनेट जैसे आप खोलेंगे तो इसमें आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ये देखिए प्रॉक्सी लिखा हुआ ही आ रहा है, ठीक है, प्रॉक्सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक ऑटोमेटिक प्रॉक्सी सेटअप और एक मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप। सो बेसिकली ऑटोमेटिक प्रॉक्सी सेटअप वो है जैसे किसी कंपनीज में या ऑफिसेज में हम लोगों ने प्रॉक्सी सर्वर वगैरह सेटअप किया होता है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको ऑन कर देना है। और ऑन करते ही जैसे आप सेटअप, अगर स्क्रिप्ट आपके पास है, आपके ऑफिस में आईटी वाले उन्होंने दे रखे, तो यहाँ से सिंपली सेटअप करेंगे और वो हो जाएगा। बट अगर मैनुअली हमें प्रॉक्सी सेटअप करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे सेटअप के ऊपर, और वही सेम अगर डोमेन पे नहीं है आपका पीसी तो आपको मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप करना पड़ता है। तो इसको पहले ऑन कर लेंगे, यहाँ पे आपके प्रॉक्सी जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, आपका पोर्ट नंबर, आपके जो भी ऑफिस में या अगर आप घर पे भी यूज़ के लोकल बना के करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है आपका क्या बोलते हैं, जो प्रॉक्सी साइट जो आप अनेबल कराना चाहते हैं उनका इसमें एड्रेस, ठीक है, लाइक आप डाल दीजिए www.google.com या और कोई आपने वेबसाइट, अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, वो वेबसाइट डाल दीजिए और इसमें सिंपल इसको सेव कर दीजिए। इसमें एक ऑप्शन ये नीचे दे रखा है, डोंट यूज़ द प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंटरनेट एड्रेस, ये बेसिकली ऑफिस के लिए है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर डोमेन पे सिस्टम होता है तो हम इसको चेक करके सेव कर देते हैं, दैट्स इट, बस इतना काम करना है, आपका प्रॉक्सी अनेबल हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बात करते हैं, इधर ही लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड में आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स आता है एक ऑप्शन, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको वही सेम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट, उसमें आपको वही प्रॉक्सी के ऊपर जाना है। ये दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक प्रॉक्सी और मैनुअल प्रॉक्सी, मैनुअल प्रॉक्सी पे जाके सेटअप करना है। अगर ऑटोमेटिक करना है तो उसको सिंपली ऑन कर दीजिए और स्क्रिप्ट सेटअप कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ये विंडोज 7 में सॉरी विंडोज 11 का ये फीचर है, ठीक है। विंडो 10 और विंडोज 8 और 7 वगैरह में भी आता था, पर वो डिफरेंट तरीके से आता था, जो उसका व्यू था या ओवरव्यू था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसलिए आज हमने ये विंडोज 11 में हम लोग कैसे प्रॉक्सी सेटअप करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो किए। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और सभी लोगों को बोलिए जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। थैंक्स।